आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। गांव की एकता से जीती जंग, कोरोना संक्रमण से कोसों दूर चीरा खान। करहई महेश्वर तहसील के नर्मदा तट समीप बसे चीरा खान गांव की आबादी 650 के करीब है। गांव के ग्रामीणों की एकता और समझदारी के कारण कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी गांव से कोसों दूर है। गांव के ग्रामीण नंदराम पटेल, जितेंद्र मालविया, मोहनलाल वर्मा, बुजुर्ग दशरथ वर्मा ने बताया, गांव के लोगों ने शासन की गाइडलाइन के निर्देशों का पालन किया। ग्रामीणों द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बेवजह गांव के बाहर कोई भी नहीं गया। खुद की सुरक्षा के साथ परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। अगर कोई मेहमान भी घर आए तो उसके हाथों को साबुन और सैनिटाइजेशन से साफ कर बिना मास्क के घर के प्रवेश नहीं करने देते। गांव में किसी के भी यहां कोई भी धार्मिक मौत मरण के कार्यक्रम भी होते तो उसमें भी सीमित लोग उपस्थिति के साथ ही शासन की गाइडलाइन का पालन भी करते। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव की ANM सरस्वती सिटोले, आशा कार्यकर्ता दीपिका वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा कोचले ने 2 माह में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत 8 से अधिक बार गांव में घर घर जाकर सर्वे कर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सर्वे के दौरान 4 से 5 मरीज सर्दी खांसी के मिले, जिन्हें तुरंत दवाई दी गई। साथ ही ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग दशरथ वर्मा ने बताया, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पहले हमें बदलना होगा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, परिवार की सुरक्षा भी करनी होगी। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग, किसी से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग रखना, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले साबुन से हाथ पैर धोना चाहिए ताकि हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सके। 2 वर्षों से 1 भी केस नहीं। गांव की ANM सरस्वती सिटोले ने बताया कि पिछले वर्ष खरगोन जिले में कोरोना के दस्तक के बाद शासन स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया, जिसमें गांव के ग्रामीणों का भी विशेष योगदान रहा, जिससे गांव में 1 भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। इस वर्ष भी ग्रामीणों के सहयोग से ही कोरोना जैसी भयावह बीमारी गांव से कोसों दूर है। करहई से रुपेश डाकोलिया की रिपोर्ट। दादा आप बुजुर्ग हैं, कोरोना से दूर कैसा क्या लग रहा है आपको? गांव में 1 भी पेशेंट नहीं है कोरोना के, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, कोरोना का पेशेंट कुछ भी नहीं है। क्या प्रयास किए गांव में? ये सावधानी रखी सर। सभी गांव वालों ने सावधानी रखी। हाँ। आपने घर में रहते हुए क्या प्रयास किया? खाने पीने का प्रयास किया, हल्की चीज, सर्दी जुकाम वाली चीज नहीं खाई ऐसा। और दूसरों को क्या क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? बस यही कि सावधानी, अपने बचाव के लिए सावधानी रखो, अपनी बचत के लिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है और क्या। क्या शुभ नाम दादा आपका? दशरथ वर्मा। चिराखानी रहते हैं आप भी? हाँ। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ कार्य किया जिससे कोरोना आज गांव से कोसों दूर है? लोगों को जागरूक किया कि बार बार हैंड सैनिटाइजर करें और ज्यादातर साबुन से हाथ धोए, बाहर जाए तो मास्क लगाए, आवश्यक हो तो ही बाहर निकले और घर में ही रहे। और क्या प्रयास किए गए? भीड़ वाली जगहों पे ना जाए। कितनी बार सर्वे कर चुके हैं आप लोग? 3 से 2 महीने में कितनी बार सर्वे हुआ है गांव का? 10 से 12 बार। तो कोई ऐसे संदिग्ध मरीज वगैरह कोई नहीं? हल्के सर्दी बुखार वाले भी ले, वायरल फीवर वाले, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से हुआ? मेडिकल किट देके। हाँ। आपका शुभ नाम? श्रीमती सरस्वती सिटोले, ANM कतरगांव। गांव में इस वर्ष भी 1 भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, क्या सुरक्षा करी, कैसे आपने इसको गांव से दूर रखने के लिए क्या प्रयास किए? इसमें सबसे पहले तो हमने ये प्रयास किया कि गांव की हमारी एकता, एकजुट के साथ हमने मिलकर एक ये निर्णय लिया, एक समिति बनाई कि सभी जन मास्क लगा के बाहर जाना आना बिल्कुल कम करे और जरूरत लगे तो ही बाहर निकले, और बाहर से जो भी व्यक्ति आता है पहले उसे मास्क लगवाए या ज़्यादा आने जाने पर रोक लगाए। घरों की सुरक्षा कैसे करी आप लोग? घरों की परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, अगर कोई भी आदमी बाहर जाता है तो पहले वो अपने आप को सैनिटाइजर करता है, उसके बाद में अंदर जाता है, और कोई भी आदमी बाहर का अगर काम के लिए कोई आता है तो उसको गेट के बाहर ही उससे बातचीत करके उसे बाहर से ही लौटा देते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? नंदराम पटेल। चिराखंड के निवासी है? कैसे गांव की सुरक्षा करी युवाओं ने, बुजुर्गों ने? बुजुर्ग भी गांव में बहुत हैं, क्या कैसे क्या कोरोना को दूर भगाया आप लोगों ने? मास्क लगा के
घूम रहे गाँव में, मास्क लगा के रखते हैं। अब बोलो, मास्क लगा के घर से बाहर निकलते हैं, सैनिटाइजर को लगा। घरों की सुरक्षा कैसे करी आप लोगों ने, घरों के सदस्यों की? घर आना जाना बंद किया, ऑफिस बाहर नहीं जाना, जरूरत पड़ने से जाना नहीं जाना। क्या शुभ नाम आपका? संजय यादव। चिराखानी रहते हैं? हाँ।